सुप्रभात बच्चों, कल की तासिका में हमने देखा था ये जो हमारा 14 नंबर का जो लेसन है जिसका नाम है 1000 रुपये का नोट। तो उस लेसन के हमने कल आशय देखा था, आज की तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला है कार्यालय यानी कि दफ्तर, स्वाहा करना जला देना नष्ट कर देना, गला भर आना दुख आदि के कारण बोल न सकना, पीठ थपथपाना शाबाशी देना, पेट की आग फूक, सज्जन यानी कि अच्छे आदमी भले मनुष्य, आग्रह जोर देना, परिश्रम यानी मेहनत। ओके, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अभी इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर जो सवाल है उसके सामने ही मैंने जवाब लिखे हैं, आप भी ऐसा कीजिए और बाद में इसे अपनी अपनी जो नोटबुक्स है उसमें लिखिए। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सवाल दिए हैं उसके जो जवाब है आपको लिखने हैं। ठीक है, पहला सवाल, नौजवान गांव से शहर या गांव से नगर में क्यों आया। नौजवान गांव से नगर में क्यों आया, तो आपको यहाँ पर लिखना है नौकरी की तलाश में। नौजवान क्यों आया था, नौकरी की तलाश में। नौजवान गांव से शहर में आया क्योंकि उसे नौकरी करनी थी या नौकरी की तलाश उसे थी। नौकरी की तलाश में ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, नौजवान नौकरी की खोज में कहाँ गया। नौजवान नौकरी की तलाश में कहाँ गया, तो यहाँ पर आपको लिखना है नौजवान नौकरी की खोज में कारखानों में कार्यालयों में दुकानों में गया। नौजवान नौकरी की खोज में कारखानों में कार्यालयों में और दुकानों में गया। ओके, उसके बाद तीसरा जो हमारा सवाल है वो है, नौजवान ने सड़क पर किसे जाते देखा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, नौजवान ने सड़क पर सज्जन को जाते देखा। क्या लिखना है, नौजवान ने सड़क पर सज्जन को जाते देखा। उसके बाद अगला सवाल और वो है, सज्जन ने नौजवान को क्या दिया। सज्जन ने नौजवान को 1000 रुपये का नोट दिया। नौजवान ने सज्जन को 1000 रुपये का नोट दिया, ये आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद, नौजवान ने रुपयों से कौन सा धंधा किया। नौजवान ने रुपयों से दिए हुए रुपये से फल बेचने का धंधा किया। ओके, तो इसके साथ ही ये जो हमारा पहला जो सवाल है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चों ध्यान से देखिए और इसे अपनी अपनी जो बुक्स है उसमें लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, अगर ये दिया गया सेंटेंस सही है तो आपको वहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है, दिया गया सेंटेंस अगर गलत है तो इसके सामने आप गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो मैं पढ़ती हूँ, सज्जन ने नौजवान के सिर पर हाथ फेरा। तो ये बात बच्चों सही है और इसको आपको सही का, इसके आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है, क्योंकि वो बहुत ही दुखी था और उस नौजवान के पैर पकड़ रहा था और नौकरी की भीख मांग रहा था, ये उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। ओके, उसके बाद, सज्जन ने नौजवान को 5 रुपये का नोट दिया। तो ये बात बच्चों बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन सज्जन ने नौजवान को 1000 रुपये का नोट दिया था,
ओके। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है, नौजवान ने सज्जन के पैरों पर अपना माथा टेका। तो ये बात बच्चों बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जब उसको उसने उसे पैसे दिए तो उसने क्या किया, उनके पैरों पर अपना माथा टेका। नहीं, जब भी जो थोड़े दिन में कुछ वर्ष के बाद जो सज्जन उसे मिले तो उन्होंने क्या कर दिया, पहले जाकर नौजवान ने उनके पैरों पर माथा टेका। तो ये बात सही है। इसके बाद नौजवान को कारखाने में नौकरी मिल गई, तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये सेंटेंस जो है बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि नौजवान को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी और इसीलिए उसने उन सज्जन आदमी से पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वो उसने नौकरी मांगी थी लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके हाथ में पैसे दिए और कुछ काम करने के लिए कहा। ओके, उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, सज्जन दयालु और नौजवान परिश्रमी था। तो ये बात बच्चों बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये दयालु थे सज्जन और ये जो नौजवान था बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती था, और इसीलिए वो एक बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया, और वो भी उसकी मेहनत के दम पर, और नौजवान ने उन्हें पैसे दिए थे उसके दम पर। तो इसीलिए जो सज्जन थे वो दयालु थे और जो नौजवान था वो बिल्कुल भी परिश्रमी था। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए। तो यहाँ पर आपको इसके लिए बच्चों क्या करना होगा, इस लेसन को पढ़ना होगा, और लेसन में कौन सी यहाँ की जो बात है वो पहले हुई थी और कौन सी यहाँ की जो सेंटेंस में लिखा है वो बात है वो बाद में हुई थी, और इसका सही क्रम आपको अगर जानना होगा तो आपको ये लेसन पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, तभी आप ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है? तो मैं ये सब पढ़ती हूँ, बाद में आपको इसका सही क्रम बताती हूँ, ठीक है? उन्होंने नौजवान को 1,000 रुपये का नोट दिया, अंत में नौजवान होटल का मालिक बन गया, उसे नौकरी नहीं मिली, नौजवान ने रुपयों से फल खरीदे और बेचे, सड़क पर उसे सज्जन मिले, एक नौजवान गांव से नगर में आया। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस होगा इसे हम क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे, क्योंकि यही हमारे लेसन की शुरुआत है, एक नौजवान गांव से नगर में आया, इसे हम देंगे 1 नंबर। उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिली, इसे हम देंगे 2 नंबर। उसके बाद सड़क पर उसे एक सज्जन मिले, इसे देंगे 3रा नंबर, क्योंकि ये सीक्वेंस के अनुसार सही है, 3रे नंबर पर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला जो सेंटेंस होगा वो है, उन्होंने नौजवान को 1,000 रुपये का नोट दिया। ओके, उसके बाद अगला जो है वो होगा, अंत में नौजवान ने रुपए से फल खरीदे और बेचे, इसे हम देंगे 5 नंबर। और अंत में नौजवान होटल का मालिक बन गया, इसे देंगे हम अंतिम यानी कि 6रा नंबर। तो इसका सही सीक्वेंस होगा बच्चों, ये देखिए ध्यान से, 4, 6, 2, 5, 3, 1, ये जो क्वेश्चन है सही विकल्प सही वाक्य नीचे दिए गए वाक्यों को क्रमानुसार लगाइए, इसका सही क्रम ये है कि 4, 6, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 2, 5, 3, 1, और इसी क्रम से आपको उसे लगाना है, उसका क्रम जानना है, ठीक है? उसके बाद हम
देखिए एक बार फिर से, ये जो सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं इसका सही क्रम है 4, 6, 2, 5, 3, 1। ओके, देखा सभी ने? उसके बाद हम देखेंगे हमारा इस लेसन का जो अगला सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको पता ही है क्या करना है, एक क्वेश्चन होगा, उसके तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए होंगे और उसको आपको उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करके उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना होगा। तो उसमें से पहला सवाल है बच्चों, सज्जन लगभग कितने वर्ष के थे? तो इसके ऑप्शंस है 45, 30, 50। तो ये जो सज्जन है वो है 45 वर्ष के। तो 45 के सामने ऑप्शन नंबर अ के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल जो है, नौजवान की सफलता देखकर व्यक्ति ने क्या किया? नौजवान की सफलता देखकर सज्जन व्यक्ति ने क्या किया? जोर जोर से डांटा, पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, पैसे दिए। तो नौजवान की सफलता देखकर सज्जन व्यक्ति ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे शाबाशी दी। तो पीठ थपथपाकर शाबाशी दी, इस ऑप्शन को आपको सही का चिन्ह देना है, ठीक है? उसके बाद अंतिम सवाल, परिश्रम और ईश्वर की कृपा से क्या मिलता है? परिश्रम और ईश्वर की कृपा से क्या मिलता है? फल, हार, पसीना। तो परिश्रम और ईश्वर की कृपा से फल मिलता है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है? देखिए कुछ देर के लिए ये क्वेश्चंस के आंसर्स देखिए। ओके, देखा सभी ने? अभी हम देखेंगे हमारा जो ग्रामर का भाग है उसे। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो है कारक की, कारक। ओके, उसकी जो परिभाषा है वो मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चलता है उसे कारक कहा जाता है। देखिए ये डेफिनेशन फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों से पता चले उसे कारक कहा जाता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मुझे रमेश के घर जाना है। तो चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर। तो पेड़ को आपको क्या करना है, पेड़ ये शब्द क्या है? कारक। इन शब्दों को ही कारक कहा जाता है, कारक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो कारक यानी क्या? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चले उसे क्या कहा जाता है? कारक। क्या कहा जाता है? कारक। तो ये जो डेफिनेशन हो वो अच्छे से याद करो बच्चों, और ये जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह पर गोले का निशान आपको वहाँ पर लगाना है, वो सॉल्व करना, ठीक है? तो इसके साथ ही है बच्चों हमारा ये जो 1000 रुपये का नोट, ये जो लेसन है और उसके क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? धन्यवाद।